Hello, I am Prithish Banerjee from Prithish Computer Tuition. आज हम लोग लूप का वीडियो करेंगे. इसका पहले वाला जो वीडियो किया था उसमें भी लूप का ही था, तो वो वाला वीडियो, पिछले वाला वीडियो जहां तक था उसका बाद से आज हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे. तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और मेरा जो वीडियो है आप पूरा तक उसको देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन एंड तक रहेगा. तो वीडियो स्टार्ट करता है. राइट अ प्रोग्राम टू टेक ए नंबर एंड प्रिंट द फैक्टर्स ऑफ द नंबर. प्रिंट द factors of a number. Write a program to take a number and print the factors of a number. मतलब एक नंबर लेने के लिए बोल रहा है, उसका क्या क्या फैक्टर्स है उसको प्रिंट करना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए हम एक नंबर ले लिया 6, तो 6 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है. तो 1, 2, 3 and 6 स्क्रीन में, आउटपुट में प्रिंट होगा, स्क्रीन में आएगा, आउटपुट में आएगा. क्वेश्चन लिख लीजिए. तो क्लास फैक्टर्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. स्कैनर क्लास कर लेता है. स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर. सिस्टम डॉट इन देन एसओपी एलएन. अच्छा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन. पहले इंट एन कर लेता है. इंट एन और आई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एंटर ए नंबर. एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट. नंबर इनपुट हो गया. अभी लूप चल रहा है. आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस. If n mod, ये वाला परसेंटेज का साइन, इसको मोड बोलता है, n mod i इक्वल टू जीरो, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन i ब्रैकेट क्लोज, मेन का ब्रैकेट क्लोज, क्लास का ब्रैकेट क्लोज. और यहां पे इंपोर्ट वाला लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्कैनर क्लास है. तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन. तो क्या किया इसमें? क्लास फैक्टर्स, क्लास का एक नाम ले लिया. पब्लिक स्टैटिक वॉइड में तो लिखना ही पड़ेगा. स्कैनर क्लास ले लिया,
इन एन कॉमा आई दो वेरिएबल ले लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर ए नंबर, देन एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, नंबर इनपुट हो गया। समझ लीजिए हम एन में सिक्स इनपुट किया और आई में पहले वन है, वन लेस देन इक्वल टू एन मतलब सिक्स, कंडीशन ट्रू, देन सिक्स मोड वन, एन में सिक्स है और आई में वन है तो सिक्स मोड वन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, सिक्स को वन से डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो आता है तो डिविसिबल हो जाएगा, डिविसिबल हो जाएगा तो फैक्टर क्या है, आई उसका फैक्टर है, आई से डिवाइड कर रहा है तो डिविसिबल हो जा रहा है तो फैक्टर कौन सा है, आई, तो आई को प्रिंट कर लिया। अगेन आई प्लस प्लस, आई कितना हो गया टू, तो सिक्स मोड टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, देन आई प्रिंट कर दिया मतलब टू प्रिंट हो जाएगा। देन आई प्लस प्लस, तो सिक्स मोड थ्री, कंडीशन ट्रू, सिक्स को थ्री से डिवाइड, डिविसिबल है सिक्स थ्री से डिविसिबल है सो थ्री प्रिंट हो गया। देन आई फोर, तो सिक्स मोड फोर इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स क्योंकि सिक्स फोर से डिविसिबल है नहीं, सिक्स फोर से डिविसिबल नहीं है, इस कारण से फोर उसका फैक्टर नहीं है तो फोर प्रिंट होगा नहीं। देन आई प्लस प्लस फाइव, सिक्स मोड फाइव इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स क्योंकि सिक्स फाइव से डिविसिबल नहीं है तो फाइव प्रिंट होगा नहीं। देन आई प्लस प्लस मतलब सिक्स, सिक्स सिक्स से डिविसिबल है तो प्रिंट हो जाएगा आई मतलब सिक्स, तो इसका आउटपुट वन टू थ्री एंड सिक्स स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा, तो उसका जितना भी फैक्टर्स है सिक्स का प्रिंट हो गया। नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम राइट अ प्रोग्राम टू टेक ए नंबर एंड प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, समझ लीजिए एक नंबर इनपुट कर लिया फाइव, तो फाइव का फैक्टोरियल क्या क्या होता है, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इज इक्वल टू 120, ए वाला आंसर है। मतलब कोई भी नंबर का फैक्टोरियल वन से शुरू करके नंबर तक मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर आता है वही उसका फैक्टोरियल होता है। तो इसको कैसे, इसका कोडिंग कैसे होगा, देखिए क्लास फैक्टोरियल देन सेकंड ब्रैकेट ओपन पब्लिक सेटिंग वॉइड मेन स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहां तक पूरा सेम होगा। यहां पे f बोलकर एक वेरिएबल ले लिया उसको वन करके रख दिया, तो i इज इक्वल टू वन क्योंकि हम बोला वन से शुरू होगा, i लेस देन इक्वल टू n नंबर तक जाएगा। देखिए फाइव का फैक्टोरियल वन से शुरू होता है नंबर तक उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो i इज इक्वल टू वन, i लेस देन इक्वल टू n, देन
यहां पे करेगा एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई, देन ब्रैकेट क्लोज, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, लूप का बाहर जाके, क्योंकि सारा फैक्टोरियल सारा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, उसके बाद लूप का बाहर जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फैक्टोरियल इज, ऐसे करके आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, एफ दोनों ब्रैकेट क्लोज, मेन का ब्रैकेट क्लोज, क्लास का ब्रैकेट भी क्लोज। तो कैसे हो रहा, आई पहले वन, एन में मान लीजिए हम फाइव इनपुट कर ले, हम फाइव का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो वन लेस देन इक्वल टू फाइव कंडीशन ट्रू, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई, तो एफ में कितना है वन, एफ में यहां पे वन है, आई में कितना है वन, तो वन, देन आई प्लस प्लस, आई कितना हो गया टू, टू लेस देन इक्वल टू फाइव कंडीशन ट्रू, तो एफ इज इक्वल टू एफ में कितना हो गया, पहले स्टेप में कितना था वन, आई में कितना है टू, तो टू हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आई का वैल्यू थ्री हो गया, तो एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई, तो एफ में पहले स्टेप में टू था, आई में थ्री है सिक्स, देन आई फोर हो गया अभी, तो फोर लेस देन इक्वल टू फाइव कंडीशन ट्रू, एफ इज इक्वल टू सिक्स इंटू फोर, सिक्स क्यों, पहले स्टेप में एफ का वैल्यू सिक्स था, तो 24, देन अगेन आई इज इक्वल टू फाइव, फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव कंडीशन ट्रू, तो एफ इज इक्वल टू 24 इंटू फाइव इज इक्वल टू 120, तो अभी आई सिक्स हो गया, कंडीशन फॉल्स, तो लूप का बाहर आ जाएगा, बाहर आके एफ को प्रिंट करेगा, एफ का वैल्यू कितना है 120, तो फैक्टोरियल उसका 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, ये है आउटपुट, आउटपुट 120, ये इसका ड्राई रन है, इसको बोलते हैं ड्राई रन, DRY ड्राई रन, मतलब इसका वर्किंग, ये कैसे काम कर रहा है, लूप कैसे काम कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, नोट कर लीजिए इसको, प्रोग्राम को ड्राइडर भी आप लिख लीजिए, कैसे लूप काम कर रहा है, कैसे घूम रहा है, यहां पे वर्किंग हम दिखाया है, नेक्स्ट प्रोग्राम जो फैक्टर वाला किया था, प्रिंट द फैक्टर्स, अभी एक ही साथ हम करेगा, राइट अ प्रोग्राम टू टेक ए नंबर, टेक ए नंबर एंड प्रिंट, प्रिंट काउंट एंड सम, प्रिंट काउंट एंड सम द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू टेक ए नंबर एंड प्रिंट काउंट एंड सम द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, मतलब एक नंबर लेना पड़ेगा, पिछले वाला प्रोग्राम में हम किया था उसका फैक्टर्स निकाला था, अभी हम बोल रहे हैं फैक्टर का सम करो, काउंट भी करो कितना फैक्टर्स उसके अंदर है, और फैक्टर को प्रिंट करो, काउंट करो एंड सम भी करो, तीनों चीज करना पड़ेगा एक ही प्रोग्राम के अंदर। क्लास फैक्टर्स, पब्लिक स्टडी बोर्ड में यहां पे सम ए से ले लेता है जीरो, काउंट करने के लिए सी बोलकर एक काउंटर वेरिएबल यूज कर लिया, सी को जीरो करके रख दिया,
सेमीकोलन, नंबर को इनपुट कर लिया, देन यहां पे फैक्टर चेक करेगा। जैसे किया इफ इन मोड आई इक्वल टू जीरो, तो इन मोड आई इक्वल टू जीरो, तो यहां पे एक सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेगा कर्ली ब्रैकेट्स। यहां पे हम लिखेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, करके आई को प्रिंट कर दिया, मतलब फैक्टर्स प्रिंट हो गया। सम करने के लिए एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, और काउंट करने के लिए सी प्लस प्लस और सी इज इक्वल टू सी प्लस वन। सी इज इक्वल टू सी प्लस वन लिख सकते हैं, नहीं तो सी प्लस प्लस भी लिख सकता है। प्लस प्लस का मतलब है, इसको हम कॉमेंट करके यहाँ पे लिख के रखते हैं, सी प्लस प्लस, इसको बोलते हैं कॉमेंट्स। कॉमेंट मतलब ये प्रोग्राम में इनएक्टिव रहेगा, काम कुछ करेगा नहीं, मतलब सी प्लस प्लस का मतलब है सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, एक एक करके इंक्रीमेंट होता है। ब्रैकेट क्लोज, देन सिस्टम डॉट अभी फॉर का ब्रैकेट क्लोज, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस, मतलब सम प्रिंट हो गया, और देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी को प्रिंट कर दिया, कितना काउंट हुआ वो प्रिंट हो गया। अभी दोनों ब्रैकेट क्लोज, नोट कर लीजिए इसको। यहां पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एस को प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके सी को प्रिंट कर दिया, मतलब काउंट प्रिंट हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा, यहां पे समझ लीजिए n का इनपुट हम ले लिया 6, तो i का वैल्यू पहले कितना है 1, तो 6 mod 1 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, देन i को प्रिंट किया, मतलब 1 प्रिंट हो गया। और s इज इक्वल टू s प्लस i, s में पहले 0 था, i में पहले 1 है, तो 1। और काउंट मतलब c, c में पहले 0 था, अभी 0 प्लस 1 मतलब 1, काउंट भी 1 हो गया। देन i प्लस प्लस i हो गया 2, 6 mod 2 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, देन 2 प्रिंट हो गया स्क्रीन में। और सम s इज इक्वल टू s प्लस i, s में कितना था 1, और i में अभी कितना है 2, तो मतलब 3। और C में पहले 1 था, 1 प्लस 1 मतलब 2, अगेन I 3 हो गया, तो 6 mod 3 कंडीशन ट्रू, 6 3 से डिविजिबल है, तो 3 प्रिंट हो गया। और सम के लिए S इज इक्वल टू S प्लस I, S में कितना है 3, I में कितना है 3 मतलब 6, और C काउंटर 2 था, 2 प्लस 1 मतलब 3, देन I 4, 6 mod 4 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो ये वाला ब्रैकेट का अंदर घुसेगा नहीं। देखिए यहां पे इफ का बाद हम एक सेकंड ब्रैकेट ओपन किया, क्योंकि यहां पे इफ का अगेंस्ट में तीनों स्टेटमेंट है, थ्री स्टेटमेंट है, तीनों चीज है, एक फैक्टर प्रिंट कर रहा है, फैक्टर को सम कर रहा है, और फैक्टर का काउंट कर रहा है, तो तीनों स्टेटमेंट है, तो इसको हमको ब्रैकेट का अंदर रखना पड़ेगा। मोर देन वन स्टेटमेंट जब भी आ जाएगा इफ का, तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट पर सेकंड ब्रैकेट का अंदर उसको रखना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट रहेगा तो उसको ब्रैकेट नहीं देने से भी चलेगा, मगर मोर देन वन स्टेटमेंट आ जाएगा तो उसको विद इन ब्रैकेट रखना पड़ेगा। तो 4 हो गया, आई का वैल्यू हुआ नहीं, आई 5 मोड 6 मोड 5 कंडीशन फॉल्स, देन आई 6, तो 6 mod 6 कंडीशन ट्रू, तो 6 प्रिंट हो गया। और सम s का अंदर क्या था 6, i का वैल्यू क्या है 6 मतलब 12, और c हो जाएगा 3 प्लस 1 मतलब 4। अभी i 6 i 7 हो गया, कंडीशन फॉल्स लूप का अंदर, लूप का कंडीशन फॉल्स हो गया, अभी बाहर चला गया लूप का, अभी s को प्रिंट किया मतलब 12, काउंट को प्रिंट किया मतलब 4, तो 6 का
कितना फैक्टर होता है, चार ही फैक्टर है, वन है, टू है, थ्री है और सिक्स, चार फैक्टर है, तो फोर प्रिंट हो रहा है, सम भी 12 हो रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू टेक ए नंबर एंड चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट, एंड चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। Take a number and check the number is prime or not. तो prime number किसको बोलता है? जिसका दो factor रहता है, जैसे 5 एक prime number है, तो 5 का कितना factors है? 5 1 से divisible है और 5 से divisible है, तो कितना factor हो गया इसका? दो factor। तो हम लोग अभी अभी factor को count किया है, हम लोग अभी अभी factor को count किया है, तो काउंट का वैल्यू 2 आएगा, मतलब फैक्टर उसका 2 आएगा, 2 फैक्टर रहेगा, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हम लोग अभी काउंट चेक किया, यहां पे काउंट किया फैक्टर को, तो बाद में जाके इसको चेक करेगा, सी का वैल्यू 2 होगा तो वो बोला प्राइम है, और सी का वैल्यू 2 नहीं होगा तो नॉट प्राइम है। तो देखिए क्लास का नाम यहां पर चेंज कर दिया, प्राइम कर दिया। पब्लिक सेटिंग बॉयज में यहां पे एस तो लगेगा नहीं, सी लगेगा काउंट करने के लिए, सी 0 करके रख दिया, नंबर को इनपुट कर लिया, इन मोडा इक्वल टू इक्वल टू 0, तो ये सब लगेगा नहीं, सिर्फ काउंट करेगा। तो क्या लगेगा यहां पे? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का मतलब है सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, हम पहले ही बोला था। तो ये वाला एक स्टेटमेंट है, तो ब्रैकेट इफ का ब्रैकेट देने का कोई जरूरत है नहीं, अभी फॉर का ब्रैकेट खत्म। तो काउंट हो गया यहां पे घूम घूम के पूरा, उसके बाद यहां पे लिखेगा इफ सी इक्वल टू 2, काउंट का वैल्यू 2 आया, तो हम यहां पे लिख सकता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज प्राइम, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। इसको नोट कर लीजिए, सी का वैल्यू पूरा काउंट हो गया, लूप का बाहर आ गया, सी का वैल्यू 2 हो जाएगा तो वाला ये वाला नंबर प्राइम हो जाएगा, नहीं तो नॉट प्राइम होगा। इसको नोट कर लीजिए। यहां पे क्या हो रहा है?
समझ लीजिए हम नंबर को इनपुट कर लिया, एन का वैल्यू समझ लीजिए हम 5 इनपुट कर लिया, और आई का वैल्यू पहले कितना है 1, एन में समझ लीजिए हम 5 इनपुट कर लिया और आई में कितना है 1, तो 5 mod 1 इक्वल टू 0, तो 5 1 से डिविजिबल है, तो सी प्लस प्लस, सी का वैल्यू पहले कितना था 0, अभी सी कितना हो गया 1, अगेन आई प्लस प्लस, आई कितना हो गया 2, तो 5 मोड 2 इक्वल टू 0 फॉल्स, देन अगेन आई प्लस प्लस 3, तो 5 मोड 3 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो काउंट होगा नहीं, आई 4 5 मोड 4 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो काउंट होगा नहीं, देन आई 5, तो 5 मोड 5 इक्वल टू 0 तो सी प्लस प्लस कंडीशन ट्रू, तो सी प्लस प्लस, सी पहले कितना था 1 था, अभी सी का वैल्यू हो गया 2, अभी आई 6 हो गया कंडीशन फॉल्स, क्योंकि हम एन का अंदर 5 इनपुट किया था, एन का अंदर हम 5 इनपुट किया था, तो अभी 6 हो गया आई का वैल्यू, तो कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गया, अभी चेक कर रहा है सी का वैल्यू 2 है कि नहीं, तो सी का वैल्यू ऑब्वियसली 2 है, तो बोलेगा नंबर इज प्राइम, समझ लीजिए हम एन का वैल्यू 6 इनपुट किया, तो 6 तो नॉट प्राइम नंबर है, तो 6 1 से डिविजिबल है, तो सी का वैल्यू पहले ही 1 हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है, तो सी का वैल्यू 2 हो जाएगा, आई 3 से डिविजिबल, 6 3 से डिविजिबल है, तो 3 हो जाएगा, 4 से है नहीं, 5 से है नहीं, मगर 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, आई का वैल्यू जब 6 हो गया, 6 से डिविजिबल है, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 4, अभी कंडीशन फॉल्स लूप का, आई जब 7 हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम एन का अंदर तो 6 इनपुट किया था, अभी बाहर आके चेक कर रहा है सी का वैल्यू 2 है नहीं है, सी का वैल्यू अभी कितना है 4 है, तो अभी एरर्स में चला जाएगा, एरर्स में जाके यहां पे लिखा है system.out.println not prime, okay, next program, write a program to take a number and check the number is perfect number or not, perfect number or not. तो परफेक्ट नंबर किसको बोलता है, 6 एक परफेक्ट नंबर है, 28 एक परफेक्ट नंबर है, 6 एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि 6 का जो फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स है उसका, 1 है 2 है 3 है 6 भी है, मगर 6 को हम लेगा नहीं, जो इटसेल्फ जो नंबर है उसको हम लेगा नहीं, उसका पहले तक लेगा, तो 6 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 एंड 3, तो उसको सम करेगा, देखो 6, तो ओरिजिनल नंबर आ गया, ओरिजिनल नंबर के साथ मैच हो गया, तो इस कारण से 6 एक परफेक्ट नंबर, जैसे 28 का फैक्टर्स क्या है, 1 है 2 है 4 है 7 है 14 है, 28 भी है, मगर 28 को लेगा नहीं, लेस देन नंबर, तो इसको सम करिए 28, तो ओरिजिनल नंबर आ गया, इस कारण से 28 एक परफेक्ट नंबर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे फैक्टर का सम करना पड़ेगा, अभी अभी हम लोग किया है, तो यहां पे एस बोल का जो वेरिएबल था, सम करने के लिए हम एस ले लेता है, एस को 0 करके रख दिया, यहां पे एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, और यहां पे इक्वल टू साइन होगा नहीं, एन लेस देन एन होगा, ठीक है, क्योंकि हम इटसेल्फ जो नंबर है उसको छोड़ के करेगा, उसको पहले तक जाएगा घूमेगा, तो आई वन से शुरू करके लेस देन एन, तो इफ एन मोड आई इक्वल टू 0 फैक्टर होगा तो सम करेगा, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, मतलब 6 ले लेगा तो 1 से 5 तक घूमेगा, और उसका जो जो फैक्टर्स है, जैसे 1 है 2 है 3 है, सम कर लेगा, अभी कंडीशन फॉल्स से बाहर आके यहां पे चेक करेगा इफ एस इक्वल टू
n. e phase equal to n. Original number का साथ sum का value match हो जाएगा, तो हम बोलेगा number is perfect. else में not perfect. ओके, इसको नोट कर लीजिए. अच्छा, क्लास का नाम थोड़ा चेंज कर देता है, क्लास का नाम यहां पे परफेक्ट कर देता है, क्लास का नाम यहां पे परफेक्ट कर दिया. ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू. इसका बाद से हम नेक्स्ट वीडियो हम लोग देंगे, इसका कंटिन्यूएशन करेंगे. तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.